नमस्कार दोस्तों, SRM कॉन्ट्रैक्टर का पब्लिक इशू 26 मार्च 2024 से खुलेगा। इस वीडियो में मैं इस पब्लिक इशू का विश्लेषण करूंगा, जिसमें मैं कंपनी प्रोफाइल, फाइनेंस, तारीखों, वैल्यूएशन के साथ साथ कई सारी जानकारियां शेयर करूंगा और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस पब्लिक इशू में निवेश करना चाहिए। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। SRM कॉन्ट्रैक्टर की इनकॉर्पोरेशन वर्ष 2008 में हुई थी। यह कंपनी निर्माण एवं विकास का काम करने वाली कंपनी है, जो मुख्य रूप से सड़क निर्माण, पुलों का निर्माण, सुरंगों का निर्माण, ढलान स्थिरीकरण कार्यों और अन्य निर्माण करने का काम करती है। यह कंपनी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में अपना काम करती है। इस कंपनी को अपने आमदनी का सबसे बड़ा भाग सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से मिलता है, जो इसके कुल आमदनी का 45.1% भाग है। ढलान स्थिरीकरण कार्यों से कंपनी को 27.9% भाग मिलता है। सुरंगों का निर्माण और अन्य दूसरे कार्यों से कंपनी को 26.1% और 0.9% भाग मिलता है। इस कंपनी के प्रमुख ग्राहक सरकारी विभाग है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी जम्मू कश्मीर सरकार, बॉर्डर रोड संगठन PWD जम्मू कश्मीर सरकार के नाम शामिल है। वर्ष 2008 से कंपनी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश में 1,442 करोड़ रुपए की लागत के 38 प्रोजेक्ट पर काम पूरा किया है। कंपनी फिलहाल 21 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी लागत 1,199 करोड़ रुपए की है। कंपनी ने दिसंबर 2023 तक 32 सड़क निर्माण प्रोजेक्ट, 3 सुरंग निर्माण प्रोजेक्ट, 1 ढलान स्थिरीकरण कार्य और 2 अन्य सिविल निर्माण प्रोजेक्ट पूरा किया है। 31 जनवरी 2024 तक कंपनी के पास 275 स्थायी कर्मचारी है। कंपनी के पास 228 निर्माण उपकरण और मशीनरी है। कुल मिलाकर हम देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अगर हम कंपनी के फाइनेंस की बात करें तो इसकी कुल आमदनी वर्ष 2022-23 में 301 करोड़ रुपए का है और इसका कुल लाभ 18.8 करोड़ रुपए का है। पिछले दो वर्षों में कंपनी के लाभ में हमें अच्छी तेजी देखने को मिलती है, जो 112% और 6% का था। अप्रैल से दिसंबर 2023 के 9 महीने में इसका कुल लाभ 20.2 करोड़ रुपए का हो गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। इसकी कुल संपत्ति 31 दिसंबर 2023 की तारीख में 169 करोड़ रुपए की है और इसका लोन 42 करोड़ रुपए का है। हमें कंपनी के लोन में पिछले 9 महीने में 10% की गिरावट देखने को मिलती है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 31 दिसंबर 2023 की तारीख में 0.50 का है। हालांकि पब्लिक इशू से कंपनी को जो पैसे मिलेंगे, उसमें से 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल लोन चुकाने में किया जाएगा और उसके बाद इसका लोन थोड़ा कम हो जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर हम देखें तो इस कंपनी के वित्तीय नतीजे अच्छे हैं। SRM कॉन्ट्रैक्टर जैसी कई सारी कंपनी पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड है, जिसमें ITD सीमेंटेशन, मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, उदय शिव कुमार इंफ्रा शामिल है। वर्ष 2022-23 की आमदनी की नज़र से SRM कॉन्ट्रैक्टर इनमें से चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके आमदनी के अनुसार इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.14 का है, जो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर और उदय शिव कुमार इंफ्रा के बराबर बराबर है, मगर ITD सीमेंटेशन और मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के मुकाबले सस्ता है। दोस्तों, इस पब्लिक इशू की वैल्यूएशन दूसरे कंपनी के मुकाबले ठीक ठाक लगाई गई है और इसमें हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.14% का है, जो दूसरी कंपनी के मुकाबले काफी बढ़िया है। दोस्तों, इस पब्लिक इशू की वैल्यूएशन ठीक ठाक लगाई गई है। यह पब्लिक इशू 26 मार्च से 28 मार्च 2024 तक खुला रहेगा। इसके शेयर का अलॉटमेंट 1 अप्रैल 2024 को होने वाला है और इसका अलॉटमेंट बिग शेयर सर्विस की वेबसाइट पर आएगा। पैसे कटने या फिर रिफंड मिलने की तारीख 2 अप्रैल 2024 की है। इसके शेयर की लिस्टिंग 3 अप्रैल 2024 को होने वाली है। इस पब्लिक इशू का इशू साइज 130 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो पूरी तरह से फ्रेश इशू है। पब्लिक इशू से कंपनी को जो पैसे मिलेंगे, उसमें से 46 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए किया जाएगा। 32 करोड़ रुपए से नए मशीनें खरीदी जाएंगी। 12 करोड़ रुपए का निवेश जॉइंट वेंचर कंपनी में किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ऋण चुकाने में किया जाएगा। बाकी का पैसा सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य और दूसरे काम में चला जाएगा। इसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर का है। इसका प्राइस बैंड 200 रुपए से 210 रुपए प्रति शेयर के बीच का तय किया गया है। आपको इस पब्लिक इशू में एक लोट की एप्लीकेशन करने के लिए 70 शेयर का आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए 14,700 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। रिटेल निवेशक के लिए पब्लिक इशू का 35% भाग आरक्षित रखा गया है। अब सबसे अहम सवाल, क्या आपको इस पब्लिक इशू में निवेश करना चाहिए? दोस्तों, हमें इस पब्लिक इशू में छोटा लिस्टिंग गेन और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। दोस्तों, इस पब्लिक इशू की कई सारी अच्छी बातें हैं। इसका इशू साइज काफी छोटा है और छोटे इशू साइज वाले पब्लिक इशू में अच्छा लाभ मिलता है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भविष्य में इंफ्रा प्रोजेक्ट के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट आ सकते हैं, जिसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। इसके वित्तीय नतीजे भी काफी शानदार है।
जहां पिछले वर्षों में हमें कंपनी के लाभ में अच्छी बढ़त देखने को मिलती है, इसकी वैल्यूएशन भी इसके पीयर कंपनी के मुकाबले ठीक ठाक लगाई गई है, जहां इसका पीई रेशियो 17 के करीब है। दोस्तों, इस पब्लिक इशू की एक खराबी यह है कि अभी पब्लिक इशू का बाजार काफी खराब चल रहा है। पिछले 4-5 कंपनी की लिस्टिंग काफी खराब हुई है, इसलिए इसमें हमें कोई बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। साथ ही इसके शेयर की लिस्टिंग टी ग्रुप के शेयर में होने वाली है, इसलिए लिस्टिंग के बाद 10 दिनों तक इस पर 5% का सर्किट रहेगा और आप इसके शेयर की इंट्राडे वाले आर्डर नहीं कर पाओगे। आपको इसके शेयर की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, इसलिए आपको इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में जरूरी अपडेट देते रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।